अब तो कुबड़े भी बुलेट मार कुबड़े अंदाजा लगाओ टेढ़ा मेढ़ा पलट चलाएगा। अगर ना मोहल्ले में ना किसी लड़की का रिश्ता अच्छा लग जाए ना रिश्ता, तो बस पड़ोसन के पेट में दर्द हो गया गरीब की बेटी को बड़ा अच्छा रिश्ता। अब क्या करती है ना, बस पता लगाएगी कहाँ से उसी के घर पहुंच जाएगी लड़के वालों का। अब लड़के घर पहुंची बिल्कुल सीधी बन के भोली, जबकि भोली नहीं है ये, सीधी भोली बन के पहुंची, बोले तुम्हारे कितने बच्चे का, तीन बच्चे का, अच्छा दो लड़के के, अच्छा बड़ा कौन का लड़का, रिश्ता हो गया क्या, जबकि सबको पता है और कैंची लेके गई है काटने रिश्ते को, का बड़ा लड़का का रिश्ता हुआ उसका उस जगह का अच्छा वाला घर जो ऊंचा मकान का अच्छा वो गोरे रंग की लड़की है क्या, उसको दौरे पड़ते थे अब वो ठीक हो गई है बा बोले रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा पहले तूने रेड़ मार मार एक तो बड़ी मुश्किल से ले दे के लड़के की मां मानी थी कि वो कुंडल मिल ले ले एक तो वैसे ही लड़के वाले बास बास पर लड़के को बेच रहा निरनंगे भिखारी इंटरनेशनल फकीर जो लड़की वालों से जहेज मांग रहे हैं। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग कुबड़े अंदाजा लगाओ टेढ़ा मेढ़ा पलट चलाएगा। जिसके दादा ने कभी साइकिल नहीं चलाई वो टेढ़ा उससे चल जाना तो कूला उधर है उसका बुलेट की डब्बी है इधर ये बता तू रखेगा काय का जरा सोचने की बात है चार बीघे की जमीन है ना तो ढूंढता फिर रहा है कहां से मिलेगी चार भाइयों की या तीन भाइयों की तीन भाइयों की तो कोई ले ही लेगा जुगाड़ू लेगा क्या छोटा हाथी लेगा क्या कोई जरा सोचने की बात है नौजवान ये है कर लो आज के बाद के इंशाल्लाह मुझे बुलेट नहीं मुझे अपाचे नहीं मुझे दौलत नहीं मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके पास पैसे तो पापा का परी नहीं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और अब तो ना इतने बुरे हालात है थोड़ी मैं खुल के कह देता हूँ माफ कर दियो इतने बुरे हालात है अब तो रिश्ता देखने की जरूरत है मोबाइल से पहले ही हो जाए मोबाइल इतनी खतरनाक चीज है ना। अच्छा अच्छा अब्बा जो है ना अब्बा ये भी बहुत भोला इतना सीधा है इतना वैसे भोला नहीं है वैसे मेंढे बहुत हार्ड नहीं है सही बता रहे हो सुबह उठ के फावड़ा टेढ़ा ही मारता है मेंढे बड़ी बड़ी खुतर के फेंकी इसने एक सांप के खेत में पेड़ थे तो उसने अपनी मेंढ धकिया धकिया के पेड़ों को उधर कर दी खेत अब पेड़ अपने खेत अब झगड़ा हो रहा है मैं क्या करूंगा मेरे खेत में पेड़ है तो अरे तेरे तेरे मेंढ उधर धकिया के कर दी तो पेड़ कहां जाएगा अब झगड़ा डाल बोला वैसे सीधा नहीं है मगर सीधा इसलिए है बेटियों को जो बड़े बड़े मोबाइल देते थे। मैं दो बातें करूंगा उस बाप से जिनकी जवान बेटियों पे बड़े बड़े मोबाइल इनसे इतना पूछूंगा इनकी बेटियों के ट्रक चल रहे होंगे बसें चल रही हैं कारखाने चल रहे हैं फैक्ट्री चल रही है हवाई जहाज चल रहे हैं ट्रेनें चल रही हैं जो मोबाइल के बगैर बसों में आग लग जाएगी ट्रेनें टूट जाएगी ट्रक ठुक जाएंगे पूरा खानदान भूखा मर है कि नहीं बेगी ऐसे अल्लाह के बंदो तीन रोटी खा रहा पेड़ की अकल क्यों दिया जवान बेटी को मोबाइल किसके पास करेगी कौन सा ऐसा रिश्तेदार देखा नहीं है तुमने शादी में देख लो पुराने लोगों से पूछो इनकी बहन इनके सामने खड़ी नहीं होती थी शर्म के मारे दुपट्टा उतारना तो लग रहा शर्म के मारे इनकी बहन गूंगी हो जाती थी पूछो भाई और आज की बहन शादी में देख लियो अगर 50 लड़की एक भी अल्लाह की बंदी दुपट्टा सर पे लगे वो घूटे वो बाल बड़े बड़े शरारे गरारे लाजो पलाजो और पता नहीं कौन कौन सा लाजो समझे ऐसे हाल अब्बा नहीं देख रहे मेरी बेटी का पहनावा क्या अम्मा नहीं देख रही
चचा ताऊ खालू नहीं देख रहे, सब देख रहे। शर्म आया, गैरत खत्म। क्यों? आस्तीन यहाँ तक, मेहंदी लगी है यहाँ तक, गले चिरे पड़े, बाल यूं फैले पड़े जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहनती थी कपड़े, वैसे कपड़े आ गए। किसने दिए ये? ये बंबई का फैशन कहां से आया? जो लड़की कभी घर से निकल के बाहर नहीं गई, जिसने बरेली नहीं देखी, बंबई का फैशन कहां से आया? ये मोबाइल की देन है, ये मोबाइल में देख रही है, मोबाइल में। अब्बा अम्मा ख्याल करो, और ये अम्मा अम्मा ये तो खत्म ही है। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के बराबर में खड़े होकर के आधे घंटे किससे बात कर रही है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? अम्मा पागल है? अरे बताओ मुझे। चलो अब्बा को एक मरतबा का पता नहीं होगा, बेचारा काम करने चला गया। और ये जो कपड़े कभी इधर को फेंक रही है, कभी इधर को फेंक रही है, और जीने पे जो आधे घंटे से बात कर रही है, इस अम्मा पागल से ये पूछो कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो इठला इठला के बातें कर रही है? तुझे होश नहीं है क्या? भंग पी लिए क्या तूने? इस अम्मा से पूछो ये आधे घंटे से छछक क्या कर रही है तेरी बेटी? कौन सा रिश्तेदार है? ये रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में ऐसे क्लिक। क्या खाया तुमने? कौन से कपड़े पहने थे? मर गया इसी में। अरे हंसने की बात नहीं, जरा सोचो, गौर करो। क्यों दिया जवान बेटे को मोबाइल? आज कितनी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई है, बोलो ये किसकी देन है? ये मोबाइल की देन है। आज कितने खानदान इज्जत वाले थे, मगर इस मोबाइल के जरिए उसकी लड़की ने कुल खुला दिया है, उसकी लड़की की बदनामी हो गई है, पूरे मोहल्ले में बदनामी फैल गई है। बोलो बाप बेचारा सर उठाने के काबिल नहीं है, ये किसकी देन है? बोलो मोबाइल की है नहीं है? खत्म हो गई है, ये मोबाइल की देन है, हमारी बेटियों के गले खुल गए हैं, ये मोबाइल की देन है, हमारी बेटी नाचने वाली वो बंबई की फिल्में बनाने वाली और से लड़कियां उनका लिबास आधी आधी नंगी शादियों में देख लेना, ये हमारी बेटियों को किसने दिया? ये मोबाइल की देन है। मैं कह करके जा जाऊं, अगर तुम्हें माशरा सुधारना है तो मेरी ये बात नोट कर लेना, अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो। अगर ये अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर ये पढ़ाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, अगर करवाना है तो हुसैन की माँ की जिंदगी पढ़वाओ। अरे की हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो कहेगी हमारी बेटी, लेकिन फातिमा का होगा पिए ये हमारी बेटी, लेकिन फातिमा का होगा सोए लेकिन फातिमा का होगा, चलेगी पहनेगी ओढ़ेगी लेटेगी बैठेगी उठेगी छोटी छोटी चाचेगी हमारी बेटी, लेकिन फातिमा का होगा।